तो दोस्तों हमारे 2.5 किलोमीटर तो पूरी हो चुकी है, अब हम 2.5 किलोमीटर वापस 5 से 6 स्प्रिंट मारते हुए चलेंगे। आप देख सकते हो रोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है ये, तब इसमें वापस जाते हुए 6-7 स्प्रिंट भी हो सकते हैं, वो मारते चलेंगे 200 मीटर के, जिससे कि हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो। तो मिलते हैं गाइस आगे। तो दोस्तों जब भी आप दौड़ मार के रुके तो एक जगह पर खड़े ना रहे, चलते रहे, जिससे कि आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहे, नहीं तो आपको इंजरी होने के चांसेस है अगर आप एकदम रुक गए तो। चलो दोस्तों एक स्प्रिंट भी मार को दिखा देता हूँ, मार के देखता हूँ मोबाइल में स्टेबलाइजेशन हो पाएगा कि नहीं, सही से रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं। चलो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको राम राम से स्टार्ट करना है, फिर आपको स्पीड बढ़ाते जानी है, जितनी स्पीड में आप मार सकते हो। फिर आपको आराम आराम से स्पीड कम करनी है, आराम आराम से रुकना है, फिर आपको चलते रहना है थोड़ी देर तक। दोस्तों जो भी भाई अपना हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, स्प्रिंट को अपने अपनी रेस में ज़रूर ऐड करें, कम से कम 4 से 5 दिन में एक दिन स्प्रिंट ज़रूर मारें, जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होएगी और आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा और आपको थकान भी कम होगी और आपका जो लेग के अंदर पेन होता है सीन पेन वो भी कम रहेगा। आप जब भी दौड़े सबसे पहले एडी को नहीं मारे धरती पर, उससे अच्छा है आप जो आपका फुट है उसके साइड में, जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले ये रखे है ऐसे, फिर एड्डी को आने दे, यानी कि पहले आपका पंजा और जो एड्डी है उसके बीच में उसको रखे ऐसे, दौड़ मारने का यही सही तरीका है दोस्तों। आप रेसर देखना, स्लो मोशन में उनकी वीडियो देखना जरूर, वो एड्डी नहीं रखते पहले, वो सबसे पहले पंजा या मिडल पैर रखते अपना, जिससे कि आपके पैर में इंजरी होने के चांसेस कम रहे। दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख ले, उसमें हमने ग्राउंड को भी दिखा रखा है आपको किस तरह का ग्राउंड मिलेगा, उसमें आपके 3 जो है यू टर्न है और एक राइट टर्न एक लेफ्ट टर्न है, तो आप उस तरीके से तैयारी करें। अगर आपका टाइम जैसे 11 मिनट के आसपास भी आ रहा है तो आप आसानी से वहाँ पर जाकर दौड़ मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस भी भाई का 12 मिनट के आसपास भी आ रहा है वो भी वहाँ पर जाकर आसानी से दौड़ मार सकता है, बस हमारी कुछ टिप्स फॉलो कर ले। जैसे कि आप जब भी वहाँ पर रेसिंग करने के लिए जाए तो आपको सबसे पहले फ्रंट में ही देखना है, बिल्कुल आसपास नहीं देखना कौन कैसे भाग रहा है, आपको बिल्कुल फ्रंट में देखना है, अपने जो आपसे आगे वाला होगा आपको उसको पकड़ के चलना है, बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपको उसको पकड़ना है, उससे आगे निकलना है। जब आप उसको क्रॉस कर दे तो आपको नेक्स्ट वाले को देखना है, आपको फिर उसको पकड़ना है, फिर उससे आगे नेक्स्ट वाले को देखना है, इससे आपका स्टैमिना भी इंक्रीज होता रहेगा और आप थकेंगे भी नहीं, और आप बिल्कुल अपनी नज़र बिल्कुल आगे वाले पे रखना, जिससे कि आप उसकी स्पीड को पकड़ सके और आप अपना भी टाइम बेहतर कर सके। तो हमारी ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो।